वेलकम टू क्रिकेट इंसोमिया। क्रिकेट से जुड़ी सारी खबर आपको मिलेगी घर। आईपीएल 2024 नए युवा की प्रतिभाओं से भरा पड़ा है। ये जो नए खिलाड़ी हैं, ये अपने खेल से आपको रूबरू अपना करा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि उनमें कितना खेल है, उनमें कितना हुनर है। हम शुरुआत करते हैं एलएसजी और पंजाब के मुकाबले से। एक गेंदबाज ऐसा जिसकी रफ्तार इतनी ज्यादा कि अन्य जो बल्लेबाज थे वो देख के दहशत में आ गए कि कोई इस गति से भी गेंद भारत में करा सकता है क्या। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ युवा प्रतिभा मयंक यादव के बारे में। मयंक यादव की गेंद 155 की रफ्तार से निकली, बुलेट की रफ्तार से वो गेंद कराए और ऐसा प्रतीत होने लगा कि भारत को एक ऐसा गेंदबाज मिलने वाला है जो भारत की गेंदबाजी उस स्तर पर पहुंचाएगा कि जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर रहे हैं। 3 विकेट चटकाए, पंजाब के बल्लेबाज समझ नहीं पाए ये कौन सा गेंदबाज आ गया, लखनऊ ने ये कौन सी आधी लेकर आई। सोचिए, कल्पना करिए, जब 155 का जो रफ्तार है, जब वो भारतीय टीम से गेंदबाजी कराएंगे और 155 156 150 147 की रफ्तार से गेंद निकलेगी तो अगले बल्लेबाज का क्या हाल होगा। पाकिस्तान वाले तो घबरा जाएंगे, अरे भाई ये क्या हो गया, ये कौन सा गेंदबाज आ गया। वैसे भी बाबर आजम और जो अन्य बल्लेबाज हैं वैसे भी कहीं ना कहीं ब्लेम लगाते ही रहते हैं कि भारत के पास सिर्फ गेंदबाज नहीं है, आप उनको ही नहीं खेल पाते हैं जिसकी रफ्तार थोड़ी धीमी है, तो आप इस खिलाड़ी की रफ्तार का सामना कैसे कर पाएंगे। और भी अन्य खिलाड़ी जैसे अभिषेक, सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए अभिषेक ने जब 16 गेंद पे 8 शतक मारा तो लोगों का वो दिल जीत लिया। वो बताए कि अभी भारत में ऐसे ऐसे बल्लेबाज हैं, ऐसे ऐसे हुनर हैं जो कि नीचे से उठकर आसमान के शिखर पर पहुंचने का हौसला रखते हैं। वो बताए कि अभी युवा में इतनी प्रतिभा है कि वो जीत दिला सकते हैं, वो सब कुछ आसान कर सकते हैं, वो भारत में अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं, वो नीली जर्सी पा सकते हैं। उसके बाद हर्षित राणा KKR की तरफ से खेलते हुए, हर्षित राणा की भी गेंदबाजी कमाल की है। वो आखिरी ओवरों में जो विकेट लेते हैं और जो मैच जिताते हैं वो कमाल का रहता है। अभी अन्य भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अभी निकल कर आ रहे हैं। समीर रिजवी चेन्नई सुपर किंग की तरफ से, जब सबको ये आस थी कि महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने आएंगे तो उन्होंने समीर रिजवी को भेजा और राशिद खान के गेंद पे कोई बल्लेबाज मारने का यदि हौसला रखे और वो भी युवा बल्लेबाज तो वो कमाल की बात है। राशिद खान के प्रथम गेंद पर आकर वो खिलाड़ी छक्का मार दिया, 2 छक्के मारे और ये बताया कि अभी खेल जोन में है वो बहुत बाकी है। शिवम दुबे, रिंकू सिंह, ये सब युवा प्रतिभा है, ये सब कमाल कर रहे हैं। भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। क्रिकेट से जुड़ी सारी खबर आपको मिलेगी तब, देखते रहिए क्रिकेट इंशो में। मैच को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, प्ले स्टोर पर जाकर क्रिकेट इंशो डाउनलोड करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।